हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमिंग प्रिंसेस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को इजी वे में, खेल खेल में कैसे इंडिया का मैप सिखा सकते हैं, कैसे स्टेट्स एंड कैपिटल आप अपने बेबी को इजीली ट्रिक्स के साथ सिखा सकते हैं। तो ये 1 ईयर का बेबी भी है जो इंडिया का मैप इजिली सीख सकता है। अब 1 ईयर का बेबी कैसे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, 1 ईयर का बेबी, 1 ईयर का बेबी, यस 1 ईयर का बेबी भी इंडिया का मैप सीख सकता है अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को ही फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या है कि ऐसे कुछ टॉयज होते हैं जो हम मार्केट के अंदर देखते हैं जो इंडिया मैप से भी रिलेटेड होते हैं और इंडिया मैप की तरह भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को वो चीज बाय करके दो जो कि उनके लिए एक नॉलेजेबल चीज हो। तो जैसे कि मैंने अपने बेबी के लिए बाय किया था, वो है ये इंडिया का मैप, इंडिया का मैप जो मैंने उसके लिए बाय किया। अब इनको, मतलब बेबीज को सिखाएंगे कैसे, सबसे पहले हम उसको इस मैप पे सिखाएंगे अपने बेबीज को, देन हम उस मैप पे आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बेबी को इस तरह का जो मैप है वो बाय करके देंगे और बेबी को सिखाएंगे इंडिया का मैप, डिफरेंट स्टेट्स जो कि जो भी इसके अंदर मेंशन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसे ही ले जो ये कलरफुल है। कुछ मैप्स ऐसे आते हैं जो कलरफुल नहीं होते, बेबीज तभी सीख पाते हैं क्योंकि उनको कलर्स जो है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं बेबीज को। तो आप भी उनको क्या कीजिए, एक ऐसा ही मैप बाय करते दीजिए। तो जैसे ही हम ये सारी स्टेट्स हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि हम सबसे छोटी स्टेट से शुरू नहीं कर सकते, हम सबसे बड़ी स्टेट से शुरू करेंगे ताकि बच्चे को जब वो बड़ी बड़ी स्टेट्स पे पहले सबसे पहले जाएगा तो उसने धीरे धीरे क्या करना है, फिर छोटी स्टेट्स को भी पहचान लेना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले हम उसे या तो बताएंगे मध्य प्रदेश के बारे में, या हम उसे महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान इज ऑल्सो देयर, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो देयर, जो भी ये बिग बिग वाली स्टेट्स हैं, हम सबसे पहले बच्चों को ये वाली स्टेट्स बताएंगे ताकि वो क्या है कि धीरे धीरे फिर जैसे उसको, मतलब एक होता है ना कि हमें किसी चीज़ की फिर उस तरह से हैबिट बन जाती है, हम उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, वैसे फिर धीरे धीरे बेबी भी है ना, वो आपसे खुद आके पूछा करेगा, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, ये कौन सी स्टेट है। तो आप भी बताने में उसको क्या होगे, इंटरेस्टेड होगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली स्टेट पर करते हैं। जैसे मेरे पास ये टैडी बॉयज को, जो गर्ल्स होती है उनको टैडीज बहुत पसंद होते हैं, जो बॉयज होते हैं उनके लिए रेसिंग कार्स होगी या और कोई डिफरेंट टॉयज होगी, जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं हम यहाँ पे उनका यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बेबी को बोल सकते हैं ये टॉय कहाँ प्ले करने जाएगा, तो ये टॉय तो अब महाराष्ट्र में जाएगा, यस ये टॉय का घर कहाँ पे है, इस महाराष्ट्र में है। अच्छा, इस टॉय का घर तो महाराष्ट्र में है, तो श्रांशु आपका घर कहाँ पे है, मतलब आप अपने बेबी का नेम यूज कर सकते हो और उसे पूछ सकते हो कि इस बेबी का घर तो यहाँ पे है, इस स्टेट में है, तो आपका घर कहाँ पे है, किस स्टेट में है। तो उसको तो नहीं पता होगा ऑब्वियस कि हम बोले श्रांशु पता है आपको घर यहाँ पे है, पंजाब में है, हम पंजाब में रहते हैं, तो उसे पता चलेगा कि यस ये टैडी जो है वो महाराष्ट्र में रहता है और मैं जो हूँ वो कहाँ पे रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे क्या करोगे, उस बेबी को बताओगे कि ये इसकी स्टेट है, वो आपकी स्टेट है, तो ऐसे क्या हो, उसको टू स्टेट के बारे में पता लगा, एक इस टैडी की स्टेट का और एक इसे खुद की स्टेट का पता लगा। फिर उसके बाद बताओगे, अच्छा आज ये जो टैडी है ना अपने मामू के घर घूमने जा रहा है, तो इस तरह से जैसे हम उसे बताएंगे ये भी अपने मामू के घर जा रहे हैं, श्रांशु आप भी तो अपने मामू के घर जाते हो, तो आपके मामू का घर कहाँ पे है, तो इस तरह से इसके मामू का घर भी हो गया, यानी कि टॉय के मामू का घर भी हो गया जो कि श्रांशु को याद हो गया, और नेक्स्ट श्रांशु के मामू का घर भी हो गया जो श्रांशु को भी याद हो गया। ऐसे क्या हुआ कि 4 स्टेट्स थी जो श्रेयांश को याद होगी थी, जैसे आपके बेबी को भी याद हो सकती है। तो इस तरह से हम ऐसे डिफरेंट सारे टॉयज का यूज कर सकते हैं और अपने बेबी को सिखा सकते हैं कि कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट, अब स्टेट, अब बेबी यहाँ पे जा रहा है, अब बेबी वहाँ पे जा रहा है। तो हम क्या ये थिंग्स के लिए इन टॉयज का यूज करके हम क्या करते हैं, उनको स्टेट्स वगैरह के बारे में बता सकते हैं। और इससे अलग हमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वाटर आ रहा है, हमारे घर के पास अगर कोई भी रिवर है, सपोज हमारे घर के पास या हमारे घर के नियर या फिर हमारी जो हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के नियर जो बेबी ने जिस रिवर को देखा हुआ है, आप बता सकते हो हमने वहां पे वो रिवर देखी थी ना, हाँ वही वाली रिवर, ऐसे ही जो पानी है ना वो यहाँ पे भी जाता है, दिस इज कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल। ऐसे जो हम क्या करते हैं कि अपनी जो ट्यून है, अपनी जो टंग है उसको चेंज करते रहते हैं, अपनी ट्यून, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को चेंज करके हम क्या करते हैं कि जो बेबीज हैं उनको समझाते हैं और बेबीज इजीली समझते भी हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है कलर्स, जो कलर्स होते हैं ना वो बेबीज को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कलर्स हो गए, जैसे इन पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये मध्य प्रदेश है, इस पे ये काऊ बनी हुई है
और जो ये राजस्थान है इसमें कैमल्स बने हुए हैं। हम भी देखते हैं कि जब हम भी जिस स्टेट्स में जाते हैं, जब अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कैमल राइड बहुत मिलती है। हम करते हैं कैमल राइड, करते हैं, हम बेबीज को भी कैमल राइड करवाते हैं। और जो हमारे ये हिमाचल है वो तो पंजाबीज के लिए आम ही है। हिमाचल में बहुत सारे लोग हैं जो घूमना पसंद करते हैं, तो हिमाचल में तो ऑब्वियस है कि हमारे बेबीज भी हमारे साथ जाएंगे ही जाएंगे। तो ये हिमाचल हो गया जो हम उन्हें बता सकते हैं, जैसे कि ये हिमाचल है बेटा, हम वहाँ पे गए थे ना, ये वही हिमाचल है, हिमाचल की कैपिटल क्या है, शिमला है। ऐसे जैसे जैसे आप स्टेट्स करवाते जाओगे उनको साथ साथ में उनकी कैपिटल्स भी आप करवाते रहना। जैसे इस मैप में क्या था कि ये दोनों इकट्ठे थे, जैसे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ये दोनों इकट्ठे थे। तो मैंने अपनी बेबी को कैसे करवाया, बेटा ये दोनों ना फ्रेंड्स हैं, जैसे आप और उसको, जैसे कोई उसका कोई फ्रेंड होगा ऐसे, ये ऐसे ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे हमारे ताई जी रहते हैं, तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद हम उसको बता सकते हैं कि जैसे इसके साथ क्या है, देहरादून है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। वैसी फोनिक साउंड्स होती हैं जिनमें बेबी सीखते हैं, तो हम उन फोनिक साउंड्स का यूज करते हैं। बेबीज को हम शेप्स के बारे में बताते हैं तो हम उन शेप्स का यूज करते हैं, या फिर जो बेबीज की रूटीन लाइफ से जुड़े जो भी पार्ट्स होते हैं हम उनको यूज करते बेबी को बता सकते हैं कि मैप को वो किस तरह से करें। मतलब आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बेबीज को उन छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में बताने के लिए, और उन छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज करके कि बेबी कैसे मैप को ईजिली लर्न कर ले, ये आपको करना होगा। उसके बाद कैसे है कि जैसे ये है, इस मैप में क्या है कि ये ऐसे 7 इकट्ठे हैं, तो बेबीज को ये आप सबसे लास्ट में करवाना, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टेट्स जो हैं वो इकट्ठी आ चुकी हैं। सबसे पहले आप उसको ये पूरा इंडिया का मैप करवाना, देन आप ईस्ट साइड में सबसे बाद में जाना। आप बेबी को बता सकते हो कि बेटा ये हमारी नॉर्थ साइड है, दिस वन इज योर साउथ, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज द ईस्ट। तो इसमें ये क्या कि जो ये है 7 स्टेट्स है वो 7 के 7 एक साथ है, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो हम धीरे धीरे बेबी को बताएंगे बेटा ये 7 सिस्टर्स हैं, जैसे हमारे सिबलिंग्स होते हैं वैसे ये 7 सिस्टर्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि बेबी जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले सनराइज हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होता है, धूप निकलती है ना, डे लाइट आती है, ये सांश को डे लाइट एंजॉय करनी है तो वो सबसे पहले कहाँ पे होती है, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे हम क्या करते हैं बेबी के साथ लिटिल लिटिल टॉकिंग्स करते हैं, लिटिल लिटिल गॉसिप्स करते हैं, जिसके बेबी हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन से अट्रैक्ट होता है। प्लीज उसको बिल्कुल भी ये ना लगे कि आप उसके साथ स्टडी कर रहे हो, उसे हमेशा ये फील होना चाहिए कि मम्मा हमारे साथ प्ले कर रही है, ये वी आर यूजिंग द टैडी एंड अनदर टॉयज। तो उसको यही लगना चाहिए कि मम्मा मेरे साथ प्ले कर रही है, टैडीज का यूज कर रही है, या आप गर्ल्स के लिए जो होते हैं गर्ल्स टॉयज का यूज करती हैं, या फिर जो अनदर टॉयज होते हैं गर्ल्स उनका भी यूज करती है। तो आप उन टॉयज को यूज करके अपने बेबी को सिखाइए कि इंडिया का मैप वो इजिली तरीके से कैसे कर सकता है। आइए फिर इसके बाद जब आपने ये लेवल क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप अपने बेबी को इस बिग मैप के ऊपर सिखा सकते हैं। इसमें कंडीशन, अगर आपके बेबी ने वो मैप इजिली अच्छे से कर लिया है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस बड़े मैप को करने में। तो आप बड़े मैप में भी सबसे पहले आप उसको बड़ी स्टेट पे लेके जाइए, या फिर जब उसको पता लग गया है कि वो कौन सी स्टेट में रहता है तो आप उससे पूछिए, वाओ बेटा आप कौन सी स्टेट में रहते हो, ओके ये हमारा इंडिया है, तो आप कौन सी स्टेट में रहते हो, मामू कौन सी स्टेट में रहते हैं, बुआ कौन सी स्टेट में रहती है। तो आप इन सब ट्रिक्स का यूज करके, इन सब छोटी छोटी जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है इनका यूज करके आप बेबी को इजिली स्टेट सिखा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए। तो मेरे लिए आपके मेरी तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए कि सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।